मैं राजकुमार पंजवानी, आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर देयर. एंड टुडेज टॉपिक इज स्टेप स्टेप्स ऑफ रिसर्च थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग. देर आर वेरियस पॉइंट्स रिलेटेड विद दिस थिंग. हाउ वी आर लुकिंग दिस टॉपिक, वी आर लुकिंग दिस टॉपिक एज अ रिसर्चर और जस्ट एज अ नेट एस्पिरेंट, और वी डू वी रियली इंटरेस्टेड इन राइटिंग एन आर्टिकल एंड वी आर लुकिंग आर आर्टिकल टू गेट पब्लिश्ड. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वेयर वी हैव टू फोकस, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू वी आर लुकिंग दिस टॉपिक. सो अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट्स देर आर डिफरेंट वेज ऑल्सो एंड डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो टू वर्क ऑन दिस थिंग. सो टू स्टार्ट विथ, वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर? फर्स्ट वी शुड नो द थियोरेटिकल बेस फॉर द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च एंड इट्स राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग. देन टू नो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हमें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होना चाहिए. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसके लिए होता है? इट इज फॉर द रिसर्चर. रिसर्चर दैट मीन्स दोज हु आर डूइंग PhD और MPhil, और वी कैन से MEd डिसर्टेशन लेवल, वी कैन से उस लेवल पे भी हम लोग बात कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स टू स्टडी थिंग्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेकिन ये रिसर्च ऐसा टॉपिक है, अगर आप रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं आप, तो आपको रिसर्च पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आप आराम से इसके कंपटीशन में क्वेश्चंस क्रैक कर लेंगे. सेकंड थिंग, एक रिसर्च ही ऐसा टॉपिक है जो एक पीजी एस्पिरेंट, जो पीजी जस्ट कंप्लीट है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा होगा जो पीजी अपियरिंग होंगे, उन बच्चों का रिसर्च का नॉलेज, और वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च PhD एनरोल्ड है, इसमें बहुत फर्क है. बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग इट, वो प्रैक्टिस लेवल पे काम कर रहे हैं. और यहाँ पर इमेजिन करिए, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी गई, तो जरूरी नहीं है वो सब समझ में आएगी, लेकिन आप जब उसको प्रैक्टिकली करेंगे तब वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी. बट हमें ये जरूर जानना है कि हम लोग ये सारी चीजें क्यों समझ रहे हैं. क्या सिर्फ हमारा एम कॉम्पिटिशन क्रैक करना है? वॉट डू यू से? सिर्फ कॉम्पिटिशन क्रैक करना है हमें, या फिर हमें PhD पे फोकस करना है? या तो हम उससे भी बड़ा टारगेट रख सकते हैं. आर वी फोकसिंग ऑन एक्चुअली दी पब्लिकेशंस, जो कि आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, पब्लिकेशन. इफ यू हैविंग 2 to 4 पब्लिकेशन फ्रॉम द बेस्ट जर्नल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बेस्ट जर्नल में आपने 2 या 3 पब्लिकेशन डाल दिए, तो आपको कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट में हायर होने से कोई नहीं रोक सकता है. तो अब आपको डिसाइड करना है इस रिसर्च को आपको किस एंगल से सोचना है और किस एंगल से इस पर काम करना है. फाइन, आई सजेस्ट डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स और शॉर्ट थिंग्स. सो व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ रिसर्च? फर्स्ट इज, ये जब स्टेप ऑफ रिसर्च की जब हम लोग बात करते हैं तो बड़ा बोरिंग बोरिंग लगता है कि हाँ ये स्टेप्स है, रटने रटना नहीं है. जो बच्चा इसको करेगा ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है ये. और इस स्लाइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, इस स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. सी डियर स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर के साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करती जाऊंगी कि क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे. लाइक दे कैन आस्क, दे कैन गिव 4 पॉइंट्स, और उसमें दे कैन आस्क गिविंग दी लाइक आपको ए ए पॉइंट दिया जाएगा कि हाँ हायरार्की में बताइए स्टेप्स ऑफ रिसर्च. तो बोला आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम है, रिव्यू लिटरेचर है, सेटिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन बोला कलेक्शन ऑफ डाटा. फिर उसको ट्विस्ट कर दिया. तो दिस वे इफ यू आर क्लियर विद दी, अच्छा ये आपको बता दें, ये आपका हॉरिजॉन्टल वे में जा रहा है. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सेकेंड चूजिंग द स्टडी डिजाइन नहीं है, सेकेंड इज रिव्यूइंग लिटरेचर, एंड देन नेक्स्ट इज सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, देन चूजिंग द स्टडी डिजाइन,
deciding the sample design, collecting data, processing and analyzing data, writing the report. ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बाद हम लोग वी कैन से कि यस रिसर्च इज कंप्लीट नाउ. वी कैन से रिसर्च इज कंप्लीट, बट एक्चुअली रिसर्च कभी भी कंप्लीट नहीं होती है. इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. जस्ट अ मिनट. रिसर्च इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट इज नेवर कंप्लीट. सो राइटिंग एंड रिपोर्ट, राइटिंग द रिपोर्ट इज नॉट एन एंड. आपको हमेशा लगेगा आपके काम में कुछ एरर है एंड यू शुड एवरी टाइम फोकस ऑन इम्प्रूविंग इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. अब यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम लिखा है ना तो एनी प्रॉब्लम, जो सबसे पहली बार अपना प्रॉब्लम रिसर्च का स्टूडेंट डिस्कस करता है उसको, वो स्टूडेंट को समझ उसको लगता है कि जो उसको प्रॉब्लम जो वो परसीव कर रहा है वही प्रॉब्लम है, जो वो सोच रहा है ना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मन में सोच लिया कि स्ट्रेस लेवल का प्रॉब्लम है, इसका लेवल है ये, वो जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है. और बच्चे को दिमाग में होगा स्टूडेंट वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस लेवल, चलो दोनों को कनेक्ट कर दो, ये प्रॉब्लम है. लेकिन पहले हमें डिसाइड करना है कि क्या ये सच में प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम है कि नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है. वो कैसे पता चलेगा? दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, फर्स्ट इज रिसर्च प्रॉब्लम एंड देन नॉन रिसर्च प्रॉब्लम्स. हर प्रॉब्लम पे रिसर्च नहीं किया जाता है, कुछ चीजें पता है हमें कि यही होंगी. अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए कॉन्फिडेंस. बच्चे में कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो उससे उसका एकेडमिक सक्सेस के चांसेस ज्यादा है. इसको स्टडी करने की प्रॉब्लम, ये तो इट इज अज्यूम. बच्चा स्टूडेंट इज कॉन्फिडेंट तो ऑफकोर्स उसकी पढ़ाई पे प्रभाव पड़ेगा. बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसकी प्रभाव पढ़ाई पे प्रभाव कम पड़ेगा, ये हमें पता है. तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये प्रॉब्लम पे बहुत सालों से बहुत लोगों ने काम कर दिया है तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. देन प्रॉब्लम जो होती है दैट शुड बी वेल डिफाइंड, और दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क. अब होता क्या है, जो नया स्टूडेंट होता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो किसी के पास गया, अब मुझे सिनॉप्सिस बनाना है तो अच्छा ठीक है चलो इस टॉपिक पे ये बना लो, ऐसे नहीं होता है. आपको सबसे पहले डिसाइड करना है आपका आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है. एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट बीएड, ठीक है, तो बीएड में क्या होता है, बीएड में यू आर हैविंग विच सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग इन बीएड, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बताइए. आई कांट सी चैट बॉक्स. ओके यस प्रगतिराज, ईच एंड एवरी स्टेप विल बी एक्सप्लेन्ड. व्हाट सब्जेक्ट्स यू पीपल हैव स्टडीड इन योर बीएड, बीएड एमएड में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप लोगों ने. डियर स्टूडेंट्स आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स. Is my presentation visible? Presentation visible है? Okay, प्रगति राज ने आंसर दिया है childhood and growing up. और कौन से subjects हमने पढ़े हैं? क्या आपने philosophy पढ़ा है? Educational philosophy, philosophy of education, foundation of philosophical foundation. आपने पढ़ा है ये subject? साइकोलॉजी पढ़ा है स्टूडेंट्स आप लोगों ने बीएड या एमएड में? सोशियोलॉजी पढ़ा है? हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना हम लोग का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. व्हाट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट? आपके जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसके अलावा किसी पे काम नहीं करेंगे.
उसके अलावा आप कोई टॉपिक पे काम नहीं करेंगे, जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसी पे आपको काम करना है। फिर आप टारगेट ग्रुप डिसाइड करेंगे कि मेरा टारगेट ग्रुप क्या है, आप वेरिएबल डिसाइड करेंगे। फाइन, तो एज आई सेड, दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टास्क, एंड द प्रॉब्लम शुड बी वेल डिफाइंड। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, दैट मींस आपका स्टेटमेंट ऑफ एम जो है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, वो डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली, सो इट वुड बी अ प्रॉब्लम। आप आगे रिसर्च को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपकी रिसर्च में हर जगह पे फेलियर्स आएंगे। सो एज आई सेड, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम एंड नॉन रिसर्च प्रॉब्लम। नॉन रिसर्च प्रॉब्लम को रिसर्च में नहीं लिया जाता, तो पहला आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ क्या है। देन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज अ परसीव्ड डिफिकल्टी। उस स्टेटमेंट को आपको लगेगा देखकर ही कि हाँ ये कुछ डिफिकल्ट है, अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द कॉमन बिलीफ एंड रियलिटी। अब आप कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो जो लोगों का कॉमन बिलीफ है, ठीक है, जैसे हजारों रिसर्च हो गई है मेल फीमेल्स पे, कि मेल फीमेल्स का एटीट्यूड में कंपैरेटिव स्टडीज इन द एटीट्यूड ऑफ एनीथिंग, एटीट्यूड ले लीजिए, पर्सनैलिटी ले लीजिए, हर चीज में मेल फीमेल का कंपैरेटिव स्टडी कर दिया है। ठीक है, क्या कभी किसी ने इस पर रिसर्च किया कि इफ लाइक आई एम गोइंग आउट ऑफ दी दिस एजुकेशन के टॉपिक के बाहर जाके अगर बात करूँ, चलिए हम लोग एजुकेशन के टॉपिक को ही ले लेते हैं, मेल टीचर्स पे। मेल टीचर्स आर वेरी गुड एज अ पेरेंट, दे आर गुड कंपेयर टू द फीमेल काउंटर पार्ट। जो मेल टीचर्स हैं, अगर अगर कोई मेल है वो टीचर है, तो वो बहुत अच्छा पेरेंट है कंपेयर टू उसकी जो उसका जो स्पाउस है। क्यों, ये अभी हम, क्योंकि ये चीज अभी हमें पता नहीं है क्या होगा। आपको लगता है इसका कुछ आंसर होगा? व्हाट डू यू से, पेरेंटिंग पे उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? फाइन, तो ये चीजें हमें जानना जरूरी है। ठीक है, ये चीजें हमें जानना जरूरी है कि कुछ ऐसा टॉपिक जिससे हमको डिस्कम्फर्ट फील हो, डिस्क्रिपेंसी लगे कि हाँ देर इज अ कॉमन बिलीफ, लोगों की ये सोच है, और रियलिटी क्या है। रियलिटी कैसे पता चलेगी? जब आप उस प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम लेंगे और उसको स्टडी करने पे सोचेंगे। फाइन, तो देर इज अ परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। यस, इट्स विजिबल। वेल, डिस्क्रिपेंसी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्या क्यों ऐसा डिफरेंस है, और क्या जहां पे दोनों पेरेंट्स, अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, दोनों पेरेंट्स टीचर हैं, तो क्या वो दोनों गुड पेरेंट्स हैं? दे आर वर्किंग ऑन देयर चाइल्ड। और लेकिन जो भी हम लोग प्रॉब्लम निकालते हैं ना, उसके कम से कम कुछ दो तीन आंसर्स होने चाहिए, उसके सॉल्यूशन होने चाहिए दो तीन, उन क्वेश्चंस के और उन प्रॉब्लम्स के। फाइन, अब आपने कोई प्रॉब्लम सोच ली, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है ना, या उनको जो कुछ भी बहुत इजी टर्म्स लगते हैं ना, उसको उन लोग पकड़ लेते हैं। अब जो जिसको जो इजी टर्म्स लगेगा ना, तो व्हेन यू आर इन एमएड और यू आर जस्ट कंप्लीटिंग योर मास्टर्स एंड गोइंग फॉर पीएचडी, तो अभी भी आपको इतना एक्सपोजर नहीं है। आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके करिकुलम में ने आपको बीएड में ही आपको रिसर्च ओरिएंटेड नहीं बनाया था। एक एक्शन रिसर्च होती थी, वो भी बच्चे कितने सीरियसली करते थे, गॉड नोज। ठीक है, एमएड में आके डेजर्टेशन, तो डेजर्टेशन में इंसान क्या करता है, इंसान खाली समझ पाता है कि ऐसा कुछ होता है, हमको टाइप करके चीजें जमा करनी होती है। फाइन, उसका प्लेजरिज्म देखा जाए तो बहुत हाई लेवल का आएगा। ये अक्सर मास्टर्स के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। जब वो पीएचडी के लिए जाता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करना है उसे, अपनी प्रॉब्लम को। सो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में आपके पास इतना, यू शुड हैव दैट मच नॉलेज दैट यू कैन जस्टिफाई द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके आप। ठीक है, प्रॉब्लम का एनालिसिस हो सके प्रॉपरली। सो देर आर थ्री थिंग्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, पहले तो आपको बताना है कि वो रिसर्च प्रॉब्लम में आता है कि नॉन रिसर्च प्रॉब्लम में आता है। नॉन रिसर्च प्रॉब्लम को नहीं पढ़ना है, वो पुराने टॉपिक्स को छोड़ दीजिए, पुराने टॉपिक्स पे बहुत काम हो चुका है। फाइन, और अब तो इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, किसी और का थीसिस होगा, डिसर्टेशन होगा,
उसमें लिखा होगा स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ एक्स वाई जेड और ये सब चीज, तो व्हाट डिल डू, स्टूडेंट अचीवमेंट को उठाया, उसको फाइंड रिप्लेस करके दूसरा वेरिएबल डाल दिया, थीसिस तैयार, डेजर्टेशन तैयार। वो स्टूडेंट्स कभी भी कॉम्पिटिशन नहीं क्रैक कर पाएंगे, क्यों? आपका 25 to 30% कॉम्पिटिशन में रिसर्च भरा पड़ा है। जिस बच्चे को रिसर्च नहीं आता है वो कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएगा कोई भी। फाइन, सो जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सो इट्स आइडेंटिफिकेशन में खाली आपको स्टेटमेंट ऑफ एम ऐसे ही नहीं लिखना है, बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, रिव्यूइंग द लिटरेचर, रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू और कहा जाता है रिव्यूइंग द रिलेटेड लिटरेचर, रिलेटेड लिटरेचर जो आपके वेरिएबल से, उससे रिलेटेड लिटरेचर को आप रिव्यू करेंगे। आप कोई भी लिटरेचर को नहीं रिव्यू करेंगे कि आप मैथ्स पे आपको उस प्रॉब्लम है और आप अंग्रेजी का बैठ के रिव्यू कर रहे हैं, नहीं। अब ये रिव्यू किया क्यों जाता है? अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट सोचता है कि मैं रिव्यू लिटरेचर को लिखूं कैसे, क्योंकि उसको तो थीसिस कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट का दो काम होगा ना, अगर उसको कंपटीशन क्रैक करना है पहले तो, और कंपटीशन क्रैक हो गया अगर, या नहीं हुआ लेकिन उसको थीसिस तो कंप्लीट करनी है ना, एमएड और एमएड लेवल पे डिसर्टेशन कंप्लीट करना है, पीएचडी में थीसिस कंप्लीट करना है। तो बच्चे क्या फोकस करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स क्या फोकस करते हैं, दे फोकस ऑन हाउ टू राइट रिव्यू। डायरेक्टली राइटिंग पे आ गए, आपको रिव्यू करना है, रिपोर्ट राइटिंग एंड में है, रिपोर्ट राइटिंग की बात लास्ट में की जाती है, आपको रिव्यू करना है, आप उसको पढ़िए पहले। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का है, दे डोंट रीड, स्टूडेंट्स रीडिंग ही नहीं करते हैं। और जहां रीडिंग करेंगे तो उसके फायदे देखिए क्या है। आपने एक रिसर्च पेपर किसी का रीड किया, आप इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पे मत जाइए अभी, वो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इंडियन रिसर्च पेपर्स पढ़िए। किसी का थीसिस भी नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, और आप किसी का इंडियन पेपर पढ़िए तो क्या होगा उससे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यू विल डेवलप अ कोहेरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ वन स्टडी एंड दोज ऑफ द अदर्स। फाइन, अलग अलग स्टडीज के बीच के जो रिजल्ट्स है और आपकी स्टडी का जो रिजल्ट आपने मन में सोचा है उसके बीच में कुछ कनेक्शन आएगा आपके दिमाग में, कब आएगा? व्हेन यू विल रिव्यू द लिटरेचर, वो इट वोंट कम लाइक दैट ओनली। फाइन, सेकेंड, टू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज वर्क, आपके काम का सिग्निफिकेंस कैसे पता चलेगा आपको? आप जो काम कर रहे हैं, आपने सोचा स्ट्रेस लेवल पे मैं काम करूंगा, आप गूगल पे स्ट्रेस लेवल टाइप करिए, हजारों लाखों करोड़ों आपके पास स्ट्रेस लेवल पे वर्क आ जाएगा, और आपको क्या जरूरत है करने की? तो आप अपना सिग्निफिकेंस, आप अपने काम का इंपॉर्टेंस कैसे जानेंगे? फाइन, और आप दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है? अब मैं अपने पीएचडी के टॉपिक की बात करूं अगर, तो आई जस्ट ए वन वन थिंग, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक इन इंडिया, मेरा स्केल इंडिया में फर्स्ट स्केल है, कैसे मैं सी हाउ आई कैन कन्विंस अदर्स कि मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। फाइन, देन इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन। अब जो फ्रेश रिसर्च स्कॉलर होता है वो क्या सोचता है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे दिमाग में आइडिया आया है, बहुत अच्छा आइडिया है, किस पे आया? स्टूडेंट स्ट्रेस पे, क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रेस में चल रहा हूँ, तो स्टूडेंट स्ट्रेस पे करते हैं, लाखों करोड़ों काम है स्टूडेंट स्ट्रेस पे, डुप्लीकेशन। आपको कैसे पता चलेगा लाखों काम है, जब रिव्यू करेंगे तब तो पता चलेगा, तो आप डुप्लीकेशन अवॉइड करते हैं इस तरीके से। इट हेल्प्स द रिसर्चर, जस्ट अ मिनट, इट हेल्प्स द रिसर्चर टू फाइंड आउट व्हाट अदर्स हैव लर्न्ड एंड रिपोर्टेड ऑन द प्रॉब्लम। अभी किसी ने जो प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे किया, उस प्रॉब्लम को उसने, उसको जस्टिफिकेशन दिया, उसकी नीड सिग्निफिकेंस बताया, प्रॉब्लम को डिफाइन लिखा, उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कैसे किया, जब किसी को आप रीड करेंगे तब तो पता चलेगा, तब आप सोचेंगे दूसरों ने अपनी स्टडी से क्या उनका निष्कर्ष निकाला। देन इट हेल्प्स द रिसर्चर टू बिकम फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजीज फॉलोड बाय अदर्स। जब आप
इट्स नॉट पॉसिबल कि वन फाइन मॉर्निंग यू आर थिंकिंग नहीं आज से मैं ये मेथोडोलॉजी लगाऊंगा अपने रिसर्च में. नहीं भाई, आप दूसरों की मेथोडोलॉजी देखिए. मेथोडोलॉजी क्या होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे फाइन, और रिपोर्टिंग द प्रॉब्लम वो भी आगे पढ़ेंगे. देन इट हेल्प्स द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज आर रिलेवेंट. उस ये थ्योरीज हम लोगों की सोशल साइंसेज में एडुकेशन के अलावा मैनेजमेंट में थ्योरीज डेवलप करनी पड़ती है, लैंग्वेजेस में खुद का कॉन्सेप्ट देना पड़ता है. ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्या क्या है वो हमें पता लगाना है. इट हेल्प्स द रिसर्चर टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रोवर्सीज. इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है. ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स ने ये स्टडी की थी और वाई ने स्टडी की थी और दोनों के रिजल्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन आया, और हो सकता है कुछ फाइंडिंग्स में कुछ इनकंसिस्टेंसीज थी, कुछ चीजें ठहराव में नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी उनमें. ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा होता है. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमको रिव्यू करने से पता चलेगा. लेकिन स्टूडेंट्स क्या फोकस करते हैं, हमें तो रिव्यू कैसे लिखना है वो जानना है. जो 5 लाइन का एक रिव्यू होता है, ठीक है, आप एक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पढ़िए, एक दिन में एक पेपर नहीं पढ़ पाएंगे. पहली चीज, आपने 4 दिन में रीडिंग कर ली, गुड, वेरी गुड, आपने रीडिंग कर दिया एक दिन में भी, चलिए आपने समझ भी लिया. अब उसको 4 लाइन में लिखना है, दैट इज द आर्ट. एंड नाउ यू नो एवरीथिंग कि क्या व्हाट एग्जैक्टली दिस दिस पेपर कंटेन्स एंड हाउ व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी, और कि क्या अब दूसरा पेपर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कंट्रोवर्सीज क्या है दोनों में, कॉन्ट्राडिक्शन है कुछ क्या, किसकी फाइंडिंग ज्यादा कंसिस्टेंट है. देन इट अलाउज द रिसर्चर टू फाइंड इफ देर आर एनी अनआंसर्ड रिसर्च क्वेश्चंस. रिसर्च क्वेश्चंस पे अभी हम लोग आगे बात करेंगे. इट माइट हेल्प द रिसर्चर टू डेवलप एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क. जब आप किसी का पूरा कंप्लीट काम पढ़ते हैं, अब आपको घर में, आपके घर में छोटा सा आपको बालकनी में गार्डन बनाना है, किसी का जब आप देख कर आएंगे, मैं नहीं कह रही हूँ आपके में बहुत क्रिएटिविटी नहीं है वो बनाने की, लेकिन एक बार किसी का आपने देखा इंटरनेट पे तो देख ही देखते ही हो, तो एनालिटिकल फ्रेमवर्क एक आ जाता है कि हाँ हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये कर सकते हैं. फाइन, इट विल हेल्प द रिसर्चर टू कंसिडर द इंक्लूजन ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कौन से इंक्लूड करने हैं रिसर्च में, ठीक है, दैट माइट नॉट अदरवाइज हैव थॉट अबाउट. अब मुझे सुबह आज किसी का रिसर्च स्कॉलर का बिहार से कहीं से कॉल आया कि मैम मैं इस टॉपिक पे, मतलब मेरे वाला टॉपिक है उस पे वर्क कर रही हूँ और मेरा सेकेंड वेरिएबल ये है, तो मैंने कहा आप सेकेंड वेरिएबल अपना चेंज कर दीजिए, वो अलग होना चाहिए थोड़ा, फर्स्ट वेरिएबल के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. तो जब हम लोग किसी से डिस्कशन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, बात करते हैं रिसर्च की, तब हमें लगता है नहीं हम कोई अच्छा वेरिएबल ऐड कर सकते हैं. आई होप यू मस्ट बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कि क्या होता है. वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना वेरिएबल के रिसर्च नहीं होती है. आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यूइंग द लिटरेचर. जसमीत कौर इज आस्किंग वन क्वेश्चन, और मैम रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च क्वेश्चन आर सेम. नो बेटा, अभी हम लोग रिसर्च क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और रिसर्च क्वेश्चन बहुत अच्छी चीज होती है, आप लोग सब अपने रिसर्च में उसको डालिए. कृष्ण कुमार सिंह इज आस्किंग नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं मैम. हाँ जरूर बनानी चाहिए, लेकिन अब कहें तो हाइपोथेसिस का थोड़ा फैशन पुराना हो गया है, लेकिन लेकिन नया फैशन को रिसर्च स्कॉलर में इतना दम होना चाहिए कि नए फैशन को वो एक्सेप्ट करे और उस पर वर्क करे. तो हाइपोथेसिस अभी बहुत जगह पे नहीं भी चलती है, बट स्टिल पीपल आर एडमिन के नहीं, हाइपोथेसिस होनी जरूरी है. वेल, नेक्स्ट स्टेप. अब हमने रिव्यू कर लिया. अब मैंने सपोज मेरी स्टडी में 3 वेरिएबल्स थे, तो हर वेरिएबल पे कितना रिव्यू करना चाहिए, कुछ अप्रोक्सीमेट बताइए स्टूडेंट्स. हमें कितने रिव्यूज करने चाहिए हर वेरिएबल पे, हमारे रिलेटेड वेरिएबल पे. यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. एटलीस्ट 50 रिव्यूज हमें करने चाहिए हर वेरिएबल पे.
अब जब हमने काफी रिव्यूज किए तो विल कम टू नो अबाउट सेटिंग अप द रिसर्च क्वेश्चंस। जब आपने थीसिस स्टार्ट की तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो आपको मोटा मोटी बताते हैं कि आपके दिमाग में ये आप यू आर सीकिंग फॉर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो आंसर्स होते हैं क्वालिटेटिव, ये क्वेश्चंस क्वालिटेटिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये आपके सॉरी क्वांटिटेटिव नहीं होते, ये क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने टीचर वाला एग्जाम्पल लिया, लाइक मेल टीचर्स आर गुड एट पेरेंटिंग, तो आपने उसको आंसर देते हुए कहा कि मेल टीचर्स आर इज मेल टीचर्स आर मोर एफिशिएंट देन द फीमेल टीचर्स, या मेल टीच दोज हु आर टीचिंग दोज मेल टीचर्स हु आर मेल आर गुड एट पेरेंटिंग कंपेयर टू देयर स्पाउस। आपने इस तरीके का जब स्टेटमेंट दिया तो वो स्टेटमेंट क्वांटिटेटिव हो गया, आपने डायरेक्टली कंपेयर करने की बात की। लेकिन रिसर्च क्वेश्चंस क्या होता है, उसके हाई लेवल की बात होती है। रिसर्च क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज द पेरेंटल एटीट्यूड ऑफ अ ऑफ मेल टीचर्स, ठीक है, उनका पेरेंटल एटीट्यूड कैसा हो सकता है, तो वो रिसर्च क्वेश्चन हुआ। रिसर्च क्वेश्चंस मोटा मोटी बात करते हैं कि ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उस बेसिस पे आप थोड़े और छांट कर बात करते तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो थोड़ा प्रिसाइसली जब हमने बात की, वो चीज क्या हुआ, एन ऑब्जेक्टिव विल प्रिसाइसली से व्हाट शुड बी रिसर्च्ड, एकदम स्पेसिफिक बात कर रहा है किसकी हमें बात करनी है। टू डिलिनिएट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शुड बी कलेक्टेड, हमें क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एग्जैक्टली, और हमें क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, मेरी मेरे स्कोप ऑफ स्टडी में क्या फ्रेमवर्क है। द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज वेल फॉर्मुलेटेड, वेल फॉर्मुलेटेड होने चाहिए वो स्टेटमेंट में, इन और इफ इज एट, इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। टेस्टेबल ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो अचीव कर सके और रिसर्च हाइपोथेसिस में उसको कन्वर्ट कर सके। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस इज ए श्रूड गेस। आप कोई भी चीज पे गेस मारते हैं, गेस लगाते हैं, तो हाइपोथेसिस इज एन अनप्रूवन स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो प्रूव नहीं किया गया है, और उसको हम लोग उसको एम्पेरिकल डाटा से बाद में उसको सपोर्ट किया जा सकता है। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं रिसर्च क्वेश्चंस के, रिसर्च क्वेश्चंस के। जैसे मैंने स्टेटमेंट बोला कि मेल टीचर्स आर मोर एफिशिएंट देन देयर स्पाउसेस इन विथ रिलेशन टू पेरेंटिंग, ये मेरा एक स्टेटमेंट था। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था ना, ये हाइपोथेसिस थी। अब मैं इस हाइपोथेसिस को, ये नल हाइपोथेसिस हुआ, ठीक है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो लगाई जाती है एंड देन डिसाइड किया जाता है कि आपका वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है एक्सेप्ट हुआ। तो अल्टीमेटली वो आंसर किसका आ रहा है, वो आंसर आ रहा है रिसर्च क्वेश्चन का। तो जो हायरार्की होती है, आप पहले ब्रॉडर बात करेंगे, एकदम मोटा मोटी बड़ी बात करेंगे रिसर्च क्वेश्चन के थ्रू, फिर कुछ आप उसको थोड़ा और प्रिसाइसली बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, और फिर थोड़ा और छट के बात करेंगे हाइपोथेसिस की जो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू द स्टूडेंट्स, डियर पार्टिसिपेंट्स। व्हाट इज द रिसर्च, प्रगति इज आस्किंग, प्रगति राज हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन कि रिव्यू की प्रोसेस तो ऑनगोइंग होती है ना। यस ऑफ कोर्स, रिव्यू आपकी आखिरी दिन, जिस दिन सबमिशन करेंगे ना थीसिस का, उस दिन तक का होना चाहिए, आपका रिव्यू उस दिन तक का चलना चाहिए जिस दिन आपकी थीसिस सबमिट होती है। और इफ यू आर डूइंग थीसिस इन 2021, ठीक है, 2021 में आप अपनी थीसिस बना रहे हैं, डिसर्टेशन बना रहे हैं, तो आपको रिव्यू कितना पुराना लेना चाहिए, कितना पुराना रिव्यू होना चाहिए। 2010 से पुराने रिव्यूज नहीं लीजिएगा, किसमें, आपकी रिलेटेड में, लेकिन आपको रेफरेंसिंग करनी है, आपको बताना है ना एक्स वाई जेड ने एटीट्यूड के बारे में ये चीज कही थी, उसको आप पुराना रेफरेंस डालिए। आप अपनी थीसिस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वहां पे आप पुराने 70s के, 60s के, 50, 40, 1940,
उधर के आप रिव्यूज डालिए, उधर के आप रेफरेंसेस डालिए, लेकिन रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में आप 2010 के बाद के सारे रेफरेंसेस आपके होने चाहिए, उसके पुराना नहीं डाल, कोशिश करिए उसके पुराना नहीं हो। प्रगति राज इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो आपका ओवरऑल पूरी थीसिस की बात कर रहा है, और रिसर्च क्वेश्चन उसमें जाके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और आपके अंदर कुछ सवाल थे, इनर कुछ सवाल थे, ठीक है, उन वो क्वेश्चंस को रिसर्च क्वेश्चंस कहा जाता है, वो क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में, और रिव्यू 10 से 20 नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, कम से कम 50 रिव्यू करो एक वेरिएबल पे। देखो अब आप डिसाइड करिए, आपको थीसिस कंप्लीट करनी है, जब थीसिस कंप्लीट करोगे तो कंपटीशन तो क्रैक कर ही लोगे, या आपको बेस्ट पब्लिकेशन देना है, आप डिसाइड करिए आपको इन तीनों में से कौन सी लेवल पे रहना है। बहुत अच्छे रिसर्च पेपर में पब्लिश पब्लिश करवाना चाहते हैं अपना काम को, कि आप बस अपना थीसिस कंप्लीट करके जयराम जी की हो गया ये करना चाहते हैं, नहीं, आपको फ्यूचर इज ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशन इज द फ्यूचर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, चूजिंग द स्टडी डिजाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, रिजेक्ट एक्सेप्ट, इससे रिलेटेड आपने वो आता है टाइप 1 टाइप 2 एरर, और इससे स्टैटिस्टिक्स की तरफ टर्न ले लिया जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पहले बनता है कि हाइपोथेसिस पहले बनती है, ऐसे क्वेश्चंस नेट में इससे रिलेटेड आते हैं। अच्छा, रिव्यू में आपको एक और चीज इम्पोर्टेंट बतानी है, रिव्यू में आपको ये बताना है कि रिव्यू कलेक्ट कैसे किया जाता है। देर आर मेनी वेबसाइट्स लाइक एरिक इज देयर, देन देयर इज रिसर्च गेट, रिसर्च गेट पे आप अपने आप को एनरोल कर दीजिए, उसके बाद गूगल स्कॉलर पे आप जाके डायरेक्टली वहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन गो ओवर देयर ऑल्सो। इस तरीके से आप रिव्यू अपना कलेक्ट करेंगे, और उसकी रेफरेंसिंग करनी आनी चाहिए आपको, कैसे किया जाता है, रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंसेस पे एक लेक्चर ही होना चाहिए, शायद हुआ है आप लोगों का, जितेंद्र सर का था शायद, आई गेस। वेल, नेक्स्ट स्टेप इज चूजिंग द स्टडी डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट और द फ्रेमवर्क फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आपको ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं अपने, तो आप ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल करेंगे? आपके पास एक ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए, फ्रेमवर्क तो होना चाहिए, फाइन, और आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर करेंगे, कौन से रास्ते से आपको जाना है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं रिसर्च डिजाइन। अगर किसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबसे ज्यादा नेट के क्वेश्चन रिसर्च डिजाइन पे बनते हैं। अब रिसर्च डिजाइन इंक्लूड्स व्हाट? रिसर्च डिजाइन में आता है आपकी टाइप ऑफ रिसर्च कौन सी है, ये आपने मास्टर लेवल पे पढ़ा होगा। देर आर यूजुअली हम लोग 4 टाइप की रिसर्च तो पढ़ते ही हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल। वी नो दीज फिनोमोलॉजी भी होती है एक, फाइन, सो दीज आर दी बेसिक टाइप ऑफ रिसर्च, ये हमें पता है, लेकिन कुछ और भी एक्सपोज्ड फैक्टो हो गई, एक्सप्लोरेटरी हो गई, इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ भीड़ होती है। अभी कोरोना में लोगों ने थोड़ा ये सब काम कम किया है, नहीं तो ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, भीड़ जहाँ होती है, तो ये बेसिक 4 रिसर्च में ही इंसान घूमता रहता है, फाइन। देन अप्रोच, आपका क्वालिटेटिव अप्रोच है या क्वांटिटेटिव अप्रोच है या मिक्स्ड अप्रोच है। आज की डेट में इंडिया में 95% रिसर्चेज, मैं बोलूँगी हम लोग एडुकेशन की बात करें तो हम लोग ज़्यादा सोशल साइंसेस पे ना जाएं, प्योर साइंस तो क्वांटिटेटिव रहेगा है, लेकिन वो सारी क्वांटिटेटिव ही होती है। क्यों क्वांटिटेटिव होती है? क्वालिटेटिव में आपको अपना अपना कुछ देना पड़ता है, कुछ आउट, उसको आप आउटपुट देंगे उस पर कुछ, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च पे, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या हुआ आपका, सिर्फ दो वेरिएबल उठा लीजिए, उसको कंपेयर कर दीजिए कि सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा है या स्टूडेंट स्ट्रेस ज़्यादा है,
वर्क लाइफ बैलेंस कम है, ये है वो है, उसको कंपेयर कर दो, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया आपका, उसका अनुमान लगा दिया, ये इसके प्रिडिक्टर्स हैं, इसका टी टेस्ट नॉन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, अनोवा लगा दो, हो गया क्वांटिटेटिव। आज की डेट में मिक्स अप्रोच चल रहा है फैशन में, मिक्स अप्रोच में भी आपको पता होना चाहिए आपको कितना क्वाली डालना है, कितना क्वांटिटी डालना है। तो क्वाल क्वांट का जो कॉम्बिनेशन है, क्वाल क्वांट का कॉम्बिनेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस कितना कॉम्बिनेशन क्वालिटेटिव ले रहे, क्वांटिटेटिव ले रहे, जितना बेस्ट आप क्वालिटेटिव देंगे उतना रिसर्च के लिए आप फ्यूचर रिसर्च के लिए थियोरेटिकल बेस तैयार करेंगे। उसके अलावा इसी में ही डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सैंपल। सैंपल कम से कम 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में, सैंपल सैंपलिंग सैंपल डिजाइन पर 4 क्वेश्चन कम से कम आता है। तो अब आपको सैंपलिंग को पूरा पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर सैंपलिंग का तो लेक्चर है नहीं फिलहाल, तो जस्ट मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। पॉपुलेशन होती है वो डिफाइंड होती है और अनडिफाइंड होती है। डिफाइंड पॉपुलेशन क्या होती है, जो पॉपुलेशन को भी आप काउंट कर सकते हैं, टोटल इतना पॉपुलेशन है इसमें। और अनडिफाइंड क्या होगा, जो आपको नहीं पता कि कितना है, जैसे कि अनकाउंटेबल नहीं बोल रहे हैं, अनडिफाइंड। जैसे कि सपोज हाई स्कूल के बच्चे, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पे आपको स्टडी करनी है लखनऊ सिटी के, तो डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ सिटी डिफाइंड है कि अनडिफाइंड, डियर स्टूडेंट्स यस बताइए। इट्स अनडिफाइंड, आपको नहीं पता क्लास 9th है और 9th में और 10वीं में ऑल ओवर लखनऊ सिटी कितना बच्चा है, क्योंकि जब तक आप काउंट करने निकलेंगे ना सारे स्कूल्स में, दो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, लेकिन तब तक वो चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा, बहुत सारा बच्चा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, बहुत सारा बच्चा ड्रॉप आउट होता है, बहुत सारा बच्चा 9th में फेल होता है, तो 10th में नहीं पहुंच पाएगा, तो इट इज अनडिफाइंड। तो पॉपुलेशन डिफाइंड और अनडिफाइंड का ये मकसद होता है, उससे आप अपने सैंपल का साइज डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करें, एक फॉर्मूला लगता है उसके, ठीक है, पॉपुलेशन आपको पता है कि इतनी है, तो आपको सैंपल का एन एन देखना है ना, कितना एन रखना है, मन से रखना होता है एन, कि मैं तो 300 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैंने खुद ने 1200 का कलेक्ट किया है, 1200 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया है, लेकिन पहले मैंने उसको चेक किया था कि कितने बच्चे हमें लेने हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाया जाता है। अब सैम्पलिंग का प्रोसीजर आपने बता डिसाइड तो कर दिया, हाँ आई एम टेकिंग 1000 स्टूडेंट्स, अब वो सैम्पलिंग कैसे करोगे उसको, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रखनी है या नॉन प्रोबेबिलिटी, ये कुछ नाम है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि मैंने ये क्यों रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा चीटिंग करेगा वो वाइवा में पकड़ में आ जाएगा। तो कम से कम आप अपने 4 क्वेश्चंस इस पे तैयार कर देंगे, डिसाइडिंग ऑन दी सैंपल डिजाइन। फाइन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने सैंपल डिसाइड कर दिया कितना रखना है, तो अब फिर क्या करना होता है, डाटा कलेक्शन करना होता है। तो डाटा कलेक्शन आपको टारगेट पॉपुलेशन पता है, उनका ही जाके डाटा कलेक्शन करेंगे। हाई स्कूल के बच्चे हैं तो हाई स्कूल के बच्चे का ही डाटा कलेक्शन होगा, 11th 12th के नहीं चले जाओगे आप लोग कलेक्ट करने। देन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, आप ऑब्जेक्टिव डाटा डाटा इन द फॉर्म लेना है, सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लेना है, क्वांटिटेटिव लेना है, आपका जो क्वेश्चनेयर है वो ओपन एंडेड है, ठीक है, लिकर्ट स्केल पे बना हुआ है, किस पे बना है, तो वो कौन से जरिए से आपको कलेक्ट करना है। हाँ, टूल प्रिपरेशन है वो रिसर्च डिजाइन में भी आता है, तो टूल प्रिपेयर आपको करना है कि ऑलरेडी बना हुआ है, टूल प्रिपेयर होता है तो उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकाली जाती है, और उसका फुल जब पूरी थीसिस का डाटा कलेक्शन होता है तो उसका आप स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं। देन आप जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं,
तो आपको डाटा को पंचिंग करना होगा ना, डाटा कलेक्शन का एनालिसिस के लिए उसको तैयार करना होगा, डाटा को कोडिंग करेंगे कि ये वन कैटेगरी का है, ये है वो, डाटा की कोडिंग करके देन जो व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग बता रहे हैं वो कोडिंग नहीं कह रहे हैं, डाटा के हर डाटा को नंबर दिया जाएगा, आप नंबर देंगे उसको, ठीक है, और फिर आप डाटा एंट्री किया, फिर आप चेक करेंगे कुछ मिसिंग डाटा तो नहीं है, तो ये सारी चीजें डाटा कलेक्शन एनालिसिस नॉट एनालिसिस पर एनालिसिस के स्टेज पे पहुंचाने वाली बातें हैं। देन वी आर हैविंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन ऑफ रिजल्ट्स। अब आपने डाटा कलेक्ट कर दिया, अब डाटा का करना क्या है, डेटा का क्या करेंगे आप? प्रगति राज इज आस्किंग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ सैंपल। मैं जब आप पायलट स्टडी करते हैं तो पायलट स्टडी में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है आपके डायमेंशंस का, सपोज, तो आपका जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हो उसको आप लेंगे और डिवाइड बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको आप जेड स्क्वायर से। आप मुझे अलग से प्राइवेटली क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं उसका फॉर्मूला आपको सेंड कर दूंगी, फाइन। देन अब्दुल सर, अब्दुल इज आस्किंग मैम हाउ टू फिक्स टोटल नंबर ऑफ डाटा। दैट मीन्स आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, हाउ टू फिक्स टोटल नंबर ऑफ डाटा, फिक्स क्या करना है, कहाँ फिक्सिंग करनी है बेटा? आई होप यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन के नंबर ऑफ सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है, तो यू कैन चेक आउट, क्योंकि देखो इसमें दो बातें होती है, आप यूजुअली लोग है ना केएमओ एंड बार्टलेट टेस्ट लगाते हैं, केसर मेयर ओहम टेस्ट एंड बार्टलेट टेस्ट। वो किस चीज के लिए टेस्ट होता है? वो होता है आपकी सैंपल एडिक्वेसी चेक करने के लिए। आपने आपने मन से सोच लिया 1,000 लोगों का डाटा कलेक्ट कर देते हैं, 1,000 का कलेक्ट कर दिया, फिर आप चेक करते हैं उसको, चेक कर देते हैं वो सही तो है कि नहीं है, लेकिन वो टेस्ट होता है आपका चेक करने के लिए कि क्या आपका डाटा EFA और CFA पे जाने के पोजीशन पे है कि नहीं है, इस डेटा की इतनी लायकात है कि हम इसको एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस कर सके इस डेटा का, या कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कर सके। जब आप EFA और CFA करते हैं तब आपको कंफर्म होता है कि जो भी मैंने अभी तक काम किया है वो सारा सही है। अब मैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे आएंगे, जो मेरे ऑब्जेक्टिव थे, जो मेरी हाइपोथेसिस थी, अब मैं उसके एनालिसिस पे आएंगे। मैंने जो डाटा कलेक्शन किया है पूरा, उसमें मैंने सैंपल लिया और कोई भी मैंने 5 पॉइंट लिकर्ट पे लिया था, जो भी मेरा कलेक्ट हुआ उसके डायमेंशंस ये वो XYZ एवरीथिंग वाज करेक्ट, वो आपको किससे पता चलती? EFA से, CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस से। EFA से क्या पता चलता है? जो आपकी पहली स्टडी होती है उससे आप EFA से चेक करते हैं कि ये सब डायमेंशंस सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आज की डेट में जो भी आपके स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं उसमें EFA बहुत जरूरी है, EFA CFA दो भी कोई भी चीज जरूरी है बहुत, फाइन। तो लेट्स कम टू मैम पायलट स्टडी क्या होती है, वेरी गुड क्वेश्चन, लेक्चर सुन रहे हैं लोग। पायलट स्टडी जब हम लोग डाटा कलेक्शन पे जाते हैं, जब मैंने टूल बनाया अपना कोई भी, या टूल नहीं भी बनाया तो मुझे एक पायलट स्टडी करनी पड़ती है चेक करने के लिए, या मेरा टूल पास करवाने के लिए, या किसी का भी टूल लिया है मैंने उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करने के लिए। रिलायबिलिटी वैलिडिटी पर दोनों पे दो दो क्वेश्चन कम से कम आता है, तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी को मैं एकदम शॉर्ट में बताती हूँ, बहुत शॉर्ट में। घड़ी होती, घड़ी जो टाइम दिखाती है, ठीक है, वो 2 बजे 2 बजे का टाइम दिखाएगी और 4 बजे 4 बजे का टाइम दिखाएगी, ठीक है, तो वो रिलायबल है ना, 2 बज रहा है तब वो 2 बजे का टाइम दिखा रही है और 4 बजे 4 बजे का टाइम दिखा रही है, और अगले दिन जब 2 बजा तभी भी वो 2 बजे दिखा रही थी, और अगले दिन जब शाम को 5 बजा तब वो 5 बजे ही दिखा रही थी, तो वो रिलायबल है। लेकिन घड़ी का अगर सेल खराब हो जाए तो वो रिलायबल नहीं रहेगी ना, तो रिलायबिलिटी वो होती है जो चीज आपको जिस समय पे आप कभी भी कोई भी टाइम पे कोई चीज पूछे वो वही रिजल्ट दे जो उसको रिजल्ट देना है, दैट इज रिलायबल।
एंड वैलिडिटी क्या है, घड़ी जो है, जो वॉल क्लॉक है, वो किस चीज के लिए बनी है, क्या करने के लिए बनी है, वो टाइम दिखाने के लिए बनी है। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, अगर वो काम वो करता है तो वो वैलिड है, तो वो वैलिडिटी है। तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लोगों को एक पायलट स्टडी करनी पड़ती है। पायलट स्टडी कुछ लोगों पे स्टडी की जाती है, एक्चुअली तो बहुत कम लोगों पे चेक की जाती है, कुछ और पर्पस के लिए, कि चेक करने के लिए हम लोगों का टूल सही है कि नहीं है। फिर हम लोग आइटम एनालिसिस करते हैं टूल कंस्ट्रक्शन के पार्ट पे, तो उसमें जो सैंपल होता है उस पे रिलायबिलिटी वैलिडिटी देखी जाती है। उसके पहले वाली जो स्टडी होती है वो पायलट स्टडी होती है। अब जो मैंने डाटा कलेक्ट किया, अब मुझे उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन करना है। फाइन, तो अब एनालिसिस होता क्या है? सबसे पहले एनालिसिस होता है जो भी निकला, जो भी उसकी वैल्यूज निकली, वो वैल्यूज लिखो। मीन से कर रहे हैं, टी टेस्ट लगा रहे हैं आप, एफ टेस्ट लगाइए, अनोवा करिए, आपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाई, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाई, आपने देखा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है आपका डाटा, आपने उसका प्रोफाइल चेक किया, ये सब आपने एनालिसिस किया, जो भी स्टैट्स लगाई वो सारा लिखिए, जो भी रिजल्ट्स आए उसको एक्सप्रेस करिए इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, स्टैट्स लगाकर, वो एनालिसिस हुआ। लेकिन आपकी एनालिसिस किसको समझ में आ रही है क्या, वो क्या है? आप खाली टेबल टेबल तो नहीं डाल सकते थीसिस में, उसको आपको इंटरप्रेट करना होगा, उसकी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में लिखने को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब आपने कि कुछ एक्स वाई जेड कथा थी, वो आपने कथा टेबल में लिखी और आपने उसको इंटरप्रेट कर दिया, तो आपका काम इंटरेस्टिंग है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको रिजल्ट डिस्कशन करना है। डिस्कशन क्या होता है? आपको उसको बताना है कि देखिए ये फाइंड, दूसरे लोग भी ये बोल रहे थे, भाई फादर का क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है बच्चे की पढ़ाई के लिए, एक्स ने भी बोला था, वाई ने भी बोला था, जेड ने भी बोला था, मेरी स्टडी में भी ये निकला, या आपकी स्टडी का जो रिजल्ट निकला, तो एक्स की स्टडी से तो मेरा रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी निकला, तो आपको वो एक्स ढूंढना पड़ेगा जो आपकी स्टडी में फिट करना है आपको, जिसका रिजल्ट आपसे मैच हो रहा था या मिसमैच हो रहा था या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, उस चीज को डिस्कशन बोलते हैं। आप अपनी बात को प्रूव कर रहे हो, देखो ये भी कर रहे थे, ऐसे ही नहीं आप कुछ भाई चांद से जाके वहां से मिट्टी उठा कर ले आए, नहीं, आपको डिस्कशन करना है रिजल्ट्स पे, फाइंडिंग्स पे, उस पे। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट। वॉट इज वेरिएबल? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जो चेंज होती है, जैसे कि एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के अंदर बहुत सारी होती है, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत अलग अलग टाइप की रिलायबिलिटी वैलिडिटी होती है। तो जब आप थेसिस पे काम करोगे तब उसको ज्यादा डीप पे पता चलेगा, बट आपको बता दें रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे पक्का 2 से 3 क्वेश्चंस बनता है, तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए। अब मैं ये भी बताऊंगी आपको, आपको मैंने बहुत सारी लीड्स दी है कि ये सब पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? मैं उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रही हूँ, अगर मैं सबके आंसर दूंगी तो आप लोग में जो रिसर्चर वाला एलिमेंट है ना वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें आना है अगले पॉइंट पर। अब हमने सब तो डिस्कशन कर लिया, अब मुझे रिपोर्ट राइटिंग करनी है। जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तो आपने क्या काम किया, आपने जीरो काम किया। और लिखने में सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, जब आप दूसरे का काम लिखने के टाइम पे देखोगे, अगर आपने रिव्यू किया नहीं, अगर आप इतने दिन से रीडिंग नहीं करते थे, तो लिखने के टाइम पे तो किसी का और का काम देखोगे ना, और फिर वहीं से कॉपी करोगे, और प्लेजरिज्म आएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। आपको, अगर आपकी मजबूत रीडिंग थी, आपने रिव्यू अच्छे से किया, आपने अपना काम सारा अच्छे से किया, अब आपको रिपोर्ट राइटिंग, आपने रिव्यू सच में 50-50 रिव्यू किए होते, तो आपको रिपोर्ट राइटिंग भी आ गई होती। अब रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और एनी मैटर, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का स्टेटमेंट है, किस चीज का रिजल्ट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, ऑफ एनी मैटर ऑन विच डेफिनेट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जिस इंफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं,
इट इज अ टैंजिबल प्रोडक्ट। अभी आपने इतनी इतना सारा काम किया, कोई लिखित में नहीं है, सब एवरीथिंग इज यूजलेस इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट इन द टैंजिबल फॉर्म, और इट्स एन आउटपुट एस्पेशली अ रिटन और प्रिंटेड और अ पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच आर ऑब्जर्व एंड इन्वेस्टिगेटेड विथ स्पेसिफिक पर्पस। हम उस वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कुछ काम के लिए की गई हो, उसका पर्पस हो इन्वेस्टिगेशन का। इट इज अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज बाय अदर रिसर्चर, एंड देन इट इज अ स्कॉलरली आउटलेट ऑफ डिसिमिनेट आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। आपका स्कॉलरली किस किस वे में आप उसको खूबसूरती से आप इंफॉर्मेशन को किस ढंग से परोस रहे हैं, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। अब साइंटिफिक रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और वी कैन से दी स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस, इसका रिसर्च पेपर से अभी हम लोग रिलेशन नहीं निकाल रहे हैं। प्रगति राज इज सेइंग डिस्कशन मींस गिविंग जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन हम लोग देखो, मेरी थीसिस आई तो मुझे जस्टिफिकेशन देने की एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इफ आई हैव डन दी जेन्युइन वर्क, बट मुझे उसको किसी से रिलेट करना है। आई कैन टॉक इन अ वैक्यूम कि ये ऐसा आया, और जब एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है, मैंने एक लेक्चर में सुना था, एक ईंट होती है उस पर ही तो दूसरी ईंट रखी जाएगी, है ना। अगर हमें कुछ आगे बढ़ाना है तो हमें ऑफकोर्स दूसरे का सपोर्ट चाहिए, फाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म रिजल्ट एंड फाइंडिंग? रिजल्ट इज अ वेग, और फाइंडिंग आप किसी को एक लाइन में बता रहे हैं कि अब आप कहीं पे कहीं गए, ठीक है, और आपने वहाँ का कुछ कंक्लूजन सोचा, तो आप किसी को एकदम क्रिस्प में पॉइंट्स में बताएंगे ना, तो दैट इज फाइंडिंग्स। आपका शॉर्ट में क्या रिजल्ट आया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में बहुत लंबा करके बताई जाती है कि इसकी मीन वैल्यू ये थी, उसका एसडी ये था, इन लोग की भी मीन एसडी ये था, ये था, ये था, ये था। फाइंडिंग में बोलेगा इन सब में से सबका हाईएस्ट मीन ये था, दैट इज फाइंडिंग। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज टाइटल पेज। टाइटल पेज आपका टाइटल पर्पसफुल होना चाहिए, हमने डिस्कस किया। इट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक एंड इट शुड बी ब्रीफ। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है, 6 साल 7 साल रिसर्च करने के बाद उनके जो एक्सपर्ट आते हैं वो कहते हैं आपके टाइटल में कुछ प्रॉब्लम है, और चेंज द टाइटल। जस्ट इमेजिन क्या रिसर्च स्कॉलर का हाल होता होगा, फाइन। देन यूजुअली रिपोर्ट में अगर हम थीसिस की बात करें, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लगता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेज आप किसको करते हैं, जो लोग ने आपको हेल्प किया। फिर आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली थीसिस के बाद लिखना चाहिए, बट आप रिसर्च पेपर्स में आप पहले लिख सकते हैं। देन उसके स्ट्रक्चर में लिस्ट ऑफ सिंबल्स हो गया, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, लिस्ट ऑफ टेबल्स। देन आता है कंटेंट्स, क्या कंटेंट, इट कंटेन्स व्हाट, व्हाट आर द कंटेंट्स। अब कंटेंट्स में होगा क्या, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर होता है दैट इज फुल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर वेरिएबल्स, जस्टिफिकेशन, स्टेटमेंट ऑफ एम, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स या हाइपोथेसिस, और डीलिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीलिमिटेशन। एक होता है लिमिटेशन, एक होता है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन क्या होता है, आपको पता है कि आई एम डूइंग रिसर्च इन ओनली लखनऊ, आई हैव टेकन ओनली लखनऊ सिटी, फाइन। आई हैव टेकन ओनली हाई स्कूल स्टूडेंट्स, आई एम वर्किंग ओनली विथ डिजेबल्ड स्टूडेंट्स, और ऐसा। ये आपने अपनी शुरुआत में ये कुछ दायरे फिक्स कर दिए, दैट इज डिलिमिटेशन। और लिमिटेशन क्या होती है, वो आप एंड में लिखते हैं कि आप कुछ कारणों से उस तक नहीं पहुंच पाए वो चीजों पर, वो चीजें पॉसिबल नहीं थी, दैट इज लिमिटेशन। लिटरेचर सर्वे रिव्यू हमने पढ़ लिया अच्छे से, कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। रिसर्च मेथोडोलॉजी, बच्चों इन सब पे क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम लोग 10 मिनट्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 5 मिनट्स, ठीक है। देन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन हमने किया, उसके बाद आता है फाइंडिंग्स, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था प्रगति ने।
फाइंडिंग्स क्या होती है? फाइंडिंग्स हम लोग शॉर्ट में इन वर्ड्स लिखते हैं, इन नंबर्स नहीं, वर्ड्स में, 1/3, 2/4, इस तरीके से वर्ड्स में लिखते हैं और बताते हैं शॉर्ट में कि ये ऐसा था, ये ऐसा था। फिर आप सजेशन देते हैं। सजेशन क्या देते हैं? फ्यूचर स्टडीज किस पे सजेशन देते हैं, फ्यूचर स्टडीज क्या क्या हो सकती है, और फिर लिमिटेशंस, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। देन यू हैविंग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, आपकी थीसिस का फायदा क्या हो रहा है, स्टूडेंट को क्या फायदा हो रहा है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इंस्टीट्यूशन को, सोसाइटी को, नेशन को, वर्ल्ड को, सिटीजन सबको क्या फायदा हो रहा है, दैट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन आपका शॉर्ट में होता है फाइनली, एक्चुअली इट इज द आंसर्स ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस, और वी कैन से कंक्लूजन विल स्टार्ट फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का आंसर देते देते वर्ड्स में आप कंक्लूजन कंप्लीट करते हैं। देन वी आर हैविंग समरी, समरी पूरा सारे शुरुआत से लेकर सब चैप्टर्स का टोटल, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस को और बिब्लियोग्राफी भी लोग बोलते हैं। बिब्लियोग्राफी लोग बचने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपको जितना भी आपका थीसिस में रेफरेंसेस है, टेक्स्ट, इन टेक्स्ट जो भी है, साइटेशन, हर चीज़ को साइट करिए। एंड देन देर आर अपेंडाइसिस, अपेंडिक्स, जो आपका डाटा होता है, आपके टूल्स होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। सो दिस वॉज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट फॉर दी थीसिस। लेकिन वेन वी टॉक अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग फॉर द रिपोर्ट वी आर टॉकिंग, और जस्ट फॉर द रिसर्च पेपर्स, तो कुछ चीज़ें इसमें से हट जाएंगी और वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएंगी। अब उस पर कैसे डिस्कस करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फाइन। और फिर मैं आप बताऊंगी कि ये जो हम लोग, मैंने सिर्फ 12 स्लाइड्स बनाई थी आप लोग के लिए, तो इन स्लाइड्स पे कम से कम 1200 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आप क्रैक कर लेंगे तो आप आराम से एपी का भी एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। रिसर्च रिपोर्ट्स व्हाट? फर्स्ट इज योर, पहले जो गलत ऑप्शन है वो रीड करते हैं। इट इज टिपिकली प्रेजेंट अ रिव्यू लिटरेचर, खाली रिव्यू नहीं लिटरेट कर बताता है, फाइंडिंग्स नहीं बताता है, ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंट रिकमेंडेशन एज वेल एज आउटलाइन, सिर्फ ये नहीं बताता है। ऑलवेज स्टेट द रिसर्च क्वेश्चंस, और उसके बाद कह रहा है ऑथर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइंडिंग्स, नहीं, फर्स्ट वाला देखिए, प्रेजेंट एटलीस्ट रिव्यू, रिव्यू प्रेजेंट करेगा वो, मेथड्स बताएगा, फाइंडिंग्स बताएगा, डिस्कशन करेगा, एंड देन जस्ट अ मिनट, दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स बट मे वेरी इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, वॉट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज यूजली प्रेजेंटेड इन द लिमिटेशन सेक्शन, मैंने अभी भी डिस्कस किया था, ठीक है। पहले बी सी डी पढ़ते हैं। एन आउटलाइन ऑफ द एक्सटेंड द रिसर्चर स्टडी, वो तो कुछ बात ही नहीं है, हमने कितनी स्टडी की वो नहीं बात कर रहा है। एन आउटलाइन ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो भी हमें नहीं बात करनी है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्च टूल्स, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। ए क्या कह रहा है? एन आउटलाइन ऑफ द फैक्टर्स दैट मे हैव प्रिवेंटेड द रिसर्चर, रिसर्चर को उसने कुछ काम कंडक्ट करने से प्रिवेंट किया, उस चीज को लिमिटेशन बोलेंगे, ठीक है। अगेन आई विल से डोंट कंफ्यूज बिटवीन लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन, ये अक्सर क्वेश्चन वाइवा में आपके डिसर्टेशन लेवल पे सब जगह आता है, फाइन। साइटेशन, रितु कंबोज हैज आस्क्ड गुड क्वेश्चन, साइटेशन, साइटेशंस मैं आपको बता दूं कैसे साइट किया जाता है, लाइव बता दें, जस्ट 2 मिनट का लेक्चर कंप्लीट करके आपको लाइव कुछ चीजें बता देती हूँ मैं गूगल पे कैसे करनी है। देन जार्गन क्या होता है? जार्गन वो लैंग्वेज हम लोग फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हम लोग की फील्ड है उनके साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन लोग के साथ हम लोग नहीं डिस्कस करते, कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में भी उसको यूज नहीं करेंगे, बड़े बड़े वर्ड्स को। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द राइटिंग स्टाइल, रिसर्च रिपोर्ट का राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए? पर्सनली उसको लिखोगे क्या रिपोर्ट को? पर्सनली नहीं लिखा जाता है, आई एम द रिसर्च स्कॉलर, आई हैव गॉन ओवर देयर, आई हैव फाउंड, पर्सनल नहीं होता है उसमें। और आपको जो चीज अच्छी नहीं लगी तो आई डिडंट लाइक दैट, क्रिटिकल नहीं आपको बताना है, इमोशन के साथ नहीं, आई फेल्ट वेरी बैड, और
दे आर डूइंग लाइक दैट, ऐसे जजमेंटल भी नहीं होना है आपको। आपका रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव और डिटैच, किसी से अटैच नहीं होने चाहिए आपको रिपोर्ट, आपकी राइटिंग जो रिजल्ट आया उसको ईमानदारी से आपको प्रेजेंट करना है। आई होप आई एम एबल टू गाइड यू विद दीज क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स। वेल द एब्सेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिपोर्ट क्या होता है? रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट के पहले जरूरी नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ मेजर सेक्शन ऑफ द एंटायर रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट का एक शॉट का जिस्ट होता है, वो एक स्नैपशॉट बताता है वो। देन इन द मेथड सिलेक्शन ऑफ द रिपोर्ट द रिसर्चर नीड्स टू डिस्कस द रिजल्ट। मेथड सेक्शन में क्या काम करना होता है उसको? रिजल्ट नहीं डिस्कस करना होता है, थियोरेटिकल बैकग्राउंड भी नहीं देना होता है उसे। सेट आउट इन डिटेल के डाटा कैसे कलेक्ट होगा और कैसे एनालिसिस, कौन सी स्टैट्स लगेगी, कैसे मैं एनालिसिस करूंगा। देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई प्राइमरी ऑडियंस, क्यों जरूरी है? ताकि राइटर उनके स्टाइल से लिख सके, उनकी जरूरत के हिसाब से लिख सके। व्हाट इज प्रेजेंटेड इन द फाइंडिंग सेक्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट? फाइंडिंग में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा जो कलेक्ट किया है उसके बारे में होगा, ठीक है। नाइन्थ इज व्हाट इज प्रेजेंटेड इन द डिस्कशन सेक्शन। डिस्कशन में कमेंट किया जाता है रिजल्ट्स पे जो प्रेजेंट किए गए हैं। फाइंडिंग सेक्शन में उस पे कमेंटिंग होती है कि देखो ये ऐसा है, ये इसका रिजल्ट ऐसा है, हम लोग का ऐसा है। 10th पॉइंट, इसका आंसर क्या होगा? कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। कैन इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन, मस्ट बी बेस्ड ऑन द मटीरियल प्रेजेंटेड, इट इज द सेम एज एब्स्ट्रैक्ट, शुड फोकस ओनली ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। अब इसको आप लोग थोड़ा सा आंसर खुद फाइंड करिएगा 10th का। चलिए अब आप बताइए प्रैक्टिकली, हम मैं कौन सी चीज आपको नेट पे स्क्रीन शेयर पे खोल के बता दूं? हैव वी टू मेंशन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर व्हाट एवर वी डिड? यस, इफ यस देन वेयर? रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी इंटरनेशनल पेपर्स में कहीं पे भी आपको बिब्लियोग्राफी नहीं दिखेगी। बिब्लियोग्राफी मुझे लगता है बेवकूफ बनाने का काम है। क्यों? बिब्लियोग्राफी में बच्चे लिख देता है ना, तो उसमें कुछ भी चीजें लिखता है, मैंने इंटरनेट से ये लिया वो लिया। आप हर आर्टिकल को रेफरेंस करिए ना, हर आर्टिकल को साइट करिए, तो आपके जितने रेफरेंसेस आपकी बुक में है, थीसिस में है, उतने सारे के सारे यू कैन सी ऑन दी लिस्ट ऑफ द रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंसेस में ही यूजुअली आनी चाहिए, लेकिन इंडिया में यूनिवर्सिटीज का ही फैशन होता है कि बिब्लियोग्राफी लिखिए, तो आप उसमें साइटेशन, साइटेड वर्क करके लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप स्टूडेंट्स आप बताइए, साइटेशन आप लोग सीखना चाहते हैं, कैसे साइट की जाती चीजें? गूगल स्कॉलर पे साइटेशन रेफरेंस कैसे मिलेगा आपको? इट विल टेक 2 मिनट्स। सो फाइन स्टूडेंट्स, सो वी कैन एंड आवर क्लास ओवर हियर। आई होप आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई इट ऑन टाइम। आई एम गेटिंग फ्यू येस फॉर द साइटेशन आई गेस। ओके, अब आपको शॉर्ट में बताते हैं आपको रेफरेंसिंग कैसे करनी है। ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन आप उसको चेक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। गूगल स्कॉलर रिव्यू में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इट्स टेकिंग प्रिटी लॉन्ग टाइम। यस
देखिए वर्क लाइफ बैलेंस पे कितना काम आ गया, ये देखिए 49,70,000 रिजल्ट्स, फाइन। अब आपको ये एन आर लॉकवुड का काम पसंद है, ये जो डबल दिख रहा है आपको साइट करके, इस पे आप टिक करेंगे तो ये आपके फॉर्मेट्स आ गया। ये वर्क लाइफ बैलेंस की किताब है, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, लॉकवुड ने लिखी है 2003 में। ये इसका एपीए फॉर्मेट है, एमएलए फॉर्मेट है, शिकागो, हार्वर्ड, वैनकूवर, आपको जो फॉर्मेट बोला गया है आप उसमें आप करेंगे। दिस इज बिबटेक्स एंड नोट, लेटेक्स करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उस फॉर्म में चाहिए आपको, बिबटेक्स के फॉर्म में रेफरेंसेस चाहिए, जिस फॉर्म में आप रेफरेंसेस चाहिए उसको आप इसको सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए और आप पेस्ट करिए, तो आपका रेफरेंसेस लिख लिया जाएगा। कहाँ पर? रेफरेंसेस वाले सेक्शन में। साइटेशन क्या होता है, आप लोग लिखेंगे लॉकवुड 2003 ब्रैकेट में, उसने ये बोला, सेड लाइक दैट, कि वर्क लाइफ बैलेंस में ये होता है वो होता है। बट अगर आप इफ यू आर सेइंग कंप्लीट सेंटेंस जो लॉकवुड ने कहा है, लॉकवुड की बुक से आप उठाकर नहीं लिखेंगे, दैट विल बी प्लेजरिज्म, यू हैव टू राइट इट इन ऑन योर ओन वर्ड्स। तो व्हाट यू विल डू, यू विल से इफ यू आर गोइंग दैट वे, दैट इज आउट टेक्स्ट।